हेलो दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर महिलाओं के लिए। अब महिलाओं की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली के सड़कों पर ऑल विमेन पीसीआर वैन दौड़ेगी, जिसमें केवल महिलाएं होंगी। भारत के सख्त होते ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर अब नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा कि कनाडा भारत के साथ मौजूदा हालात को बढ़ाना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि ओटावा नई दिल्ली के साथ जिम्मेदारी पूर्वक और रचनात्मक ढंग से जुड़ना जारी रखेगा। दरअसल कनाडाई पीएम की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक उसके 41 राजनयिकों को देश से वापस बुलाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार जाति जनगणना वाला मामला। 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। रिपोर्ट पब्लिक करने पर आपत्ति जताई गई है। लोकसभा चुनाव के पहले गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए और इसके बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। राजद जदयू की सरकार इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना कि यह आधी अधूरी रिपोर्ट है। राजनीतिक सरगर्मी के बीच जाति जनगणना वाला यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दो गैर सरकारी संगठन एनजीओ यूथ फॉर इक्वलिटी और सोच एक प्रयास ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देश की सर्वोच्च अदालत अब इस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। उससे पहले अदालत ने कोई बयान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े रिलीज कर दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम कुछ नहीं कह रहे हैं, 6 अक्टूबर को मामला सूचीबद्ध है तभी सुनेंगे। सर्वदलीय बैठक में आरक्षण बढ़ाने की मांग हुई। नीतीश कुमार ने कहा विचार करेंगे। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। सीएम सचिवालय में हुई करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में आरक्षण बढ़ाने की मांग उठी। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विचार करेंगे। बैठक के दौरान ही सीएम ने अधिकारियों को जातीय गणना के आंकड़ों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विश्लेषण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आश्वासन दिया कि अगले विधानसभा सत्र से पहले आर्थिक विश्लेषण का आंकड़ा भी जारी कर दिया जाएगा। असम जेल में अमृतपाल की भूख हड़ताल। जेल में 9 साथियों और बाहर पत्नी ने भी खाना छोड़ा, कहा कि वकील को मिलने से रोका। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके 9 साथियों ने असम की डिब्रूगढ़ जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अमृतपाल को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA में पंजाब से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद असम जेल भेज दिया गया। अलर्ट करने वाली खबर भूकंप को लेकर आई है। एक बार फिर हमारे भारत में भूकंप आया। दिल्ली NCR, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी मंगलवार दोपहर 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3 अक्टूबर को यह भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 रही। इसका केंद्र नेपाल के बजांग जिले में था। नेपाल में 1 घंटे में 4 भूकंप आए और वहां पर कई बिल्डिंगों को भी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, हापुड़, अमरोहा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। राजस्थान के जयपुर, अलवर में करीब 6 से 7 सेकंड में 3 से 4 झटके महसूस किए गए। राजस्थान के जयपुर और अलवर शहरों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हरियाणा में एक ही दिन में 2 बार भूकंप के झटके लगे, यानी नेपाल में आए इस भूकंप के तेज झटके दिल्ली NCR तक महसूस किए गए। न्यूज क्लिक के फाउंडर पुरकायस्ता और एक अन्य पत्रकार अरेस्ट हो गए। गैर कानूनी गतिविधि और चीनी फंडिंग के केस में छापेमारी हुई। 30 लोकेशन पर कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस ने न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े अभिसार शर्मा समेत कई पत्रकारों के घर 3 अक्टूबर की सुबह छापेमारी की है। ये कार्रवाई न्यूज पोर्टल को चीन से फंडिंग मिलने के आरोपों के सिलसिले में की गई है। पत्रकार अभिसार शर्मा ने कार्रवाई की जानकारी खुद ट्वीट करके दी। फ्लिपकार्ट की नई VIP सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च हो गई है। सस्ते में आईफोन 15 समेत ढेरों फायदे मिलेंगे। फ्लिपकार्ट ने अपनी नई VIP सर्विस को लॉन्च कर दिया। कार चलाने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। 2023 हुंडई वर्ना ने ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है और ये ग्लोबल NCAP से 5-स्टार रेटिंग वाली पहली हुंडई बन गई, यानी देश की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में अब हुंडई वर्ना भी शामिल हो गई है। ग्लोबल NCAP ने 5-स्टार रेटिंग दी है। पंजाब हिमाचल में बांध से अब नहीं होगी तबाही। एक्शन में सुकुल सरकार हाई पावर कमेटी गठित की गई है। सभी डैम की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कई इलाकों में तबाही का कारण बने बिजली परियोजनाओं के बांध प्रबंधन पर सुक्कू सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हाई पावर कमेटी गठित की गई है। हिमाचल प्रदेश के होटल होम स्टे में 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। टूरिज्म निगम ने स्पेशल पैकेज दिया है। अक्टूबर के पूरे महीने में ऑफर का फायदा ले पाएंगे, यानी देश भर के टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने चयनित होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग पर 20% तक डिस्काउंट की अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। और इसी तरह प्राइवेट होटल और होम स्टे संचालकों ने
भी एडवांस बुकिंग पर 30-50% तक की छूट जारी रखने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने की तैयारी हो रही है। अधिकारी परेशान नहीं करेंगे, वाहन मालिकों को अधिकारियों के नेतृत्व चक्कर लगाने पड़ेंगे और नए अधिकारी ज्यादा परेशान कर पाएंगे। अफसरों वाला ये काम यूपी के हर जिले में मशीनें किया करेंगी। यूपी के वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यानी अब यात्री वाहन और भारी वाहनों की फिटनेस की जांच आरटीओ कार्यालय के आरआई नहीं बल्कि मशीन करेगी। इससे आंखों देखी फिटनेस में बरती जा रही लापरवाही भी नहीं होगी और हादसे भी रुकेंगे। और इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2024 से ही यात्री और भारी वाहनों के फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटिक फिटनेस स्टेशन पर कराना अनिवार्य कर दिया। धुआं से लेकर टायरों तक 13 बिंदुओं पर जांच की जाएगी। उत्तराखंड की जेल में बंद कैदी होंगे प्रशिक्षित। जेल विकास बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। बंदियों की न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई गई है। सभी जेलों में बेकरी भी खुलेगी। बंदियों की न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाने का निर्णय हुआ जिसके तहत दैनिक पारिश्रमिक कुशल के लिए 67 रूपए से बढ़ाकर 85 रूपए, अर्ध कुशल के लिए 52 रूपए से बढ़ाकर 65 रूपए और अकुशल के लिए 44 रूपए से बढ़ाकर 55 रूपए किए गए। राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में दूसरे दिन भी सेवा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को एक बार फिर गोल्डन टेम्पल पहुंचे। असम में बाल विवाह को लेकर बड़ा एक्शन हुआ। 800 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। असम पुलिस ने एक विशेष अभियान में 800 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरकार बाल विवाह करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। वर्ल्ड कप 2023 5 अक्टूबर से विश्व कप का आगाज होने जा रहा है। भारत की मेजबानी में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होने जा रहा है। ये टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। विश्व कप का पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। पीएम मोदी की अपील पर साफ सफाई के लिए जुड़े 8,75,00,000 लोग श्रमदान करके रिकॉर्ड बनाया। दरअसल पीएम मोदी की अपील पर 1 अक्टूबर को चलाए गए 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान ने 8,75,00,000 लोगों को साफ सफाई के लिए जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। पीएम मोदी की अपील पर इन लोगों ने न केवल 1 साथ श्रमदान का रिकॉर्ड बनाया बल्कि 9,00,000 से अधिक स्थानों को साफ सुथरा भी कर दिया। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार। सिलेंडर 3,000 रूपए में, पेट्रोल 300 पार। पाकिस्तान में खाद्य महंगाई दर साल दर साल वृद्धि के साथ 33.1% पर पहुंच गई है। अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। देश में महंगाई ने फिर से छलांग लगाना शुरू कर दिया। अक्टूबर के 3 दिन में मोदी सरकार के लिए आई एक के बाद एक 3 गुड न्यूज युवाओं के लिए भी खुशखबरी है। यानी ओवरऑल बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अक्टूबर महीने की शुरुआत शानदार रही है। एक के बाद एक 3 गुड न्यूज आई है। पहली गुड न्यूज, 1 तारीख को जीएसटी कलेक्शन में बंपर उछाल देखा गया। वहीं बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगस्त महीने की तुलना में घटकर 7.09% पर आ गई। सितंबर में यह 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी को लेकर ग्लोबल एजेंसियां और एक्सपर्ट सकारात्मक बने हुए हैं और इसकी रफ्तार जारी रहने की उम्मीद जता रहे हैं। यानी एक और जहां वैश्विक मंदी की आहट से दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस समय सहमी हुई है, डगमगाई हुई है, वहीं भारत लगातार सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी बना हुआ। वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF हो या फिर कोई अन्य ग्लोबल एजेंसी, भारत के शीर्ष इकोनॉमिस्ट सभी भारत की आर्थिक रफ्तार को लेकर सकारात्मक बने हुए हैं। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द। केंद्रीय चयन पर्षद ने 1 अक्टूबर को हुए बिहार पुलिस में सिपाही बहाली की परीक्षा को कैंसिल कर दिया। दोनों पालियों की परीक्षा कैंसिल की गई है। 7 और 15 अक्टूबर को भी जो परीक्षा होने वाली थी उसे भी अगले आदेश तक कैंसिल कर दिया गया। नासिक के प्याज व्यापारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी में नीलामी फिर से शुरू हो गई है। नासिक के प्याज व्यापारियों ने 20 सितंबर से जारी अपनी 13 दिवसीय हड़ताल वापस ले ली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने मथुरा कोर्ट में कैश ट्रांसफर की मांग रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का करंट स्टेटस मांगा। फिलहाल इस मामले में 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिला पत्रकारों के लिए फेलोशिप का ऐलान किया। छोटे समाचार पत्रों को भी सौगात मिलेगी। अब सरकार कराएगी PSC की फ्री कोचिंग। सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया। नीट और JEE की तैयारी के लिए 150 सेंटर खोले गए। यानी छत्तीसगढ़ में जल्द ही PSC समेत बाकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इसकी कोचिंग सरकार कराएगी। मंगलवार को नीट और JEE की ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग के लिए स्वामी आत्मानंद कोचिंग की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल ने की है। रेल मंत्री ने वंदे भारत स्लीपर वर्जन कॉन्सेप्ट की तस्वीरें शेयर की है। कैप्शन में लिखा कि 2024 की शुरुआत में आ रही है। यानी वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन देश में अगले साल मार्च तक पटरियों पर दौड़ता नजर आ सकता है। हरियाणा में 4 IPS और 47 HPS बदले। हरियाणा पुलिस में सरकार ने बड़ा फेरबदल किया। मंगलवार को 4 IPS और 47 HPS का तबादला किया गया। हरियाणा में अब चोरी नहीं होगा अनाज। 25,000 ट्रकों पर लगेगा GPS सिस्टम। हर मोमेंट पर नजर रखी जाएगी। विभाग को शिकायतें मिल रही थी। यानी हरियाणा में बढ़ती अनाज चोरी को रोकने के लिए सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया। विभाग ने अब अनाज चोरी रोकने के लिए लगभग 25,000 ट्रकों के लिए GPS ट्रैकिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया। जयपुर में माता पिता नगर निगम में छोड़ सकेंगे बच्चे। सुबह से शाम तक निगम करेगा देखभाल। जयपुर में वर्किंग
माता पिता के बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी नगर निगम ग्रेटर ने ले लिया। इसके लिए नगर निगम ग्रेटर में क्रेच रूम शिशु पालना गृह शुरू हुआ, जहां बच्चों को सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक खाने खेलने और सोने की व्यवस्था रहेगी। बाकायदा इनकी मॉनिटरिंग के लिए स्टाफ भी मौजूद रहेगा। इस क्रेच रूम में लोग अपने 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे को रखरखाव के लिए छोड़ सकते हैं। कितना शुल्क लगेगा इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी प्रति बच्चे के हिसाब से हर महीने शुल्क लिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में M3M के निदेशक बसंत और पंकज बंसल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें मामले को गंभीर बताते हुए उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ईडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। आकांक्षा रथ से राजस्थान का किला फतह करेगी बीजेपी, जनता के सुझावों पर तैयार होगा संकल्प पत्र। राजस्थान में चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सक्रियता तेज कर दी है। बुधवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर से आकांक्षा रथों को रवाना करेंगे। इन आकांक्षा रथों के साथ स्थानीय नेता प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। हर गली और गांव में पहुंचकर ये नेता लोगों से उनकी समस्याएं और शिकायत जानेंगे। रथ पर एक सुझाव पेटी भी होगी, जिसमें जनता द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर ही पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। बिहार में ANM भर्ती चल रही है। बिहार में महिला स्वास्थ्य कर्मी ANM के पदों पर भर्ती का मौका है। परीक्षा.NIC.IN वेबसाइट पर इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी से जुड़ा अपडेट, लोकेश की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड होगी। अब खुलेंगे देश की सबसे बड़ी चोरी के हर राज। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट, 28 नवंबर से होगा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन, और इस सम्मेलन में कई देशों और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी उत्तराखंड में आगामी 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक 6ठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन होने जा रहा है। केंद्र ने त्रिपुरा के 2 विद्रोही गुटों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया, 5 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लग गया। केंद्र ने मंगलवार को त्रिपुरा के 2 उग्रवादी संगठनों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में दाखिल सभी दस्तावेज भी तलब किए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। जयपुर में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, वसुंधरा राजे CP जोशी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पटना हाई कोर्ट ने KK पाठक के आदेश को रद्द किया, कोचिंग संचालकों के लिए गुड न्यूज आई है। मुख्य सचिव ने एक आदेश में कहा था कि सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे। इसी मामले में मंगलवार को कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर सुनवाई हुई और इसके बाद कोर्ट ने KK पाठक के आदेश को रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत, योगी सरकार के निर्देश पर NHM ने फैसला लिया। आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों में लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, OT टेक्नीशियन और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है। 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया। पंजाब CM ने गवर्नर को जवाब भेजा, चिट्ठी में लिखा कि 47,000 करोड़ कर्ज लिया। पंजाब के CM भगवंत मान ने गवर्नर BL पुरोहित को चिट्ठी का जवाब भेज दिया, इसमें 50,000 करोड़ के कर्जे का पूरा ब्यौरा दिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चल रहे विवाद के बीच भूपेश सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया। अब CGPSC परीक्षा से जुड़े दस्तावेजों को 2 साल तक नष्ट नहीं किया जाएगा। लद्दाख से जुड़ा अपडेट, सफाई कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है, वेतन में 20% इजाफा हो गया। लेह कारगिल जिलों की नगर परिषदों के सफाई कर्मचारियों के वेतन में 20% की वृद्धि हो गई है। वर्ल्ड बैंक को महंगाई दर 5.9% रहने की आस, आर्थिक वृद्धि का अनुमान बरकरार रखा। विश्व बैंक का अपडेट ये तब आया जब शुक्रवार को RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक भी होने वाली है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति का अनुमान 5.2% से बढ़ाकर 5.9% कर दिया, मगर वर्ल्ड बैंक ने निवेश में दमदार वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए 6.3% आर्थिक वृद्धि का अनुमान बरकरार रखा। बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में मंगलवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। सोना 56,577 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, वहीं चांदी की कीमत 67,113 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में, संपूर्ण भारत का आज 4 अक्टूबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय आंध्र प्रदेश, गोवा और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। तेलंगाना, कोंकण और गोवा, पूर्वी विदर्भ, तमिलनाडु और पश्चिमी हिमालय में हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। दोस्तों अगर आप मोबाइल पर हर रोज ऐसी ताजा खबरों के अपडेट देखते रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार ऐसा वीडियो आप देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा
दीजिएगा ताकि आपको हर रोज मोबाइल पर ऐसी खबरों के अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।